गुड इवनिंग। नए सीरीज़ की अगली दवा देखते हैं, वो है क्लम्बामेट। तो कुछ चार पांच करेक्टरिस्टिक सिम्टम डॉक्टर नैश ने दिए हैं। डॉक्टर नैश के जो भी सिम्टम है ना, ये उनके वेल क्लिनिकली वेल प्रूव्ड हैं। वो थोड़े ही रहेंगे, लेकिन आपके क्लिनिक में अगर उस तरह का पेशेंट आता है तो आप हिट कर जाएंगे। तो जो पहला सिम्टम है वो है पेट अंदर की तरफ धंसा रहता है। अब ये आपको देखने में मालूम दे सकता है, शर्ट ऊपर करेंगे तो देखेंगे पेट अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और ऑब्जेक्टिवली भी मरीज भी बोलेगा ये। हो सकता है पेट अंदर ना धंसा हो, लेकिन मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब जैसे पेटवा अंदर धंसा चल जाता है, या डॉक्टर साहब पेट अंदर की तरफ जैसे लग रहा है धंस गया है, यही सिम्टम है। ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी बीमारी में ये चीज़ें आपके काम आती हैं। पेट में दर्द होगा और पेट से दर्द शुरू होकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। डायस्कोरिया है एक और दवा है, और ये पेट का दर्द चाहे तो वो कॉलिक में प्रेजेंट रहेगा, या डिसमेनोरिया मेनोरेजिया इस कंडीशन में, या फिर जॉन्डिस में भी। डॉक्टर गर्न से प्लम्बम मेटेलकम को जॉन्डिस की बहुत अच्छी दवा मानते हैं। उन्होंने इंडिकेशंस दिए कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है, लैट्रिन और पेशाब दोनों बहुत ज़्यादा पीले होंगे, आँख का स्क्लेरा पीला हो जाएगा, पूरे शरीर बदन पीली हो जाती है। पैरालिसिस में आपका प्लम्बम मेट काफ़ी ऑथेंटिक रेमेडी है। और डॉक्टर नैश एक केस भी बताते हैं कि एक मरीज थे, उनको पोस्ट डिप्थीरिक पैरालिसिस थी, और ये उनके बेड साइड पर देखने गए, पूरा सिम्टम लिया। एक चीज़ उनको काफ़ी स्ट्रेंज मिला, वो था हाइपरस्थीसिया। जो एक्सट्रीमिटीज़ थे वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव थे, मतलब छू भी दे तो मरीज को बर्दाश्त नहीं था, इस तरह की कंडीशन थी। फिर इन्होंने इस सिम्टम को खोजा, और लास्ट में एलन्स इनसाइक्लोपीडिया में ये सिम्टम मिला प्लम्बम मेटेलकम में, और साथ में पैरालिसिस भी था, तो प्लम्बम मेटेलकम दिया गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। एक केस और है जिसमें एक बूढ़े बुजुर्ग को राइट इलियोसिकल रीजन में एक स्वेलिंग उभरी, पहले दर्द हुआ, कड़ापन हुआ, फिर एक स्वेलिंग महसूस हुई, और ऊपर बाद में वो स्वेलिंग काफ़ी बढ़ गई और ब्लू कलर का रूप ले ली, और उसके साथ फीवर और तमाम चीज़ें। फिर उनकी बेटी ने उस सिम्टम को खोजना शुरू किया, और राउस पैथोलॉजी में वो सिम्टम मिला टाइफस हेडिंग के अंदर, और उसमें जो दवा थी वो थी प्लम्बम मेटेलकम। तो प्लम्बम मेटेलकम 200 में दिया गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। पैरालिसिस ऑफ एक्सटेंसर मसल, जैसे कि आपका रिस्ट ड्रॉप हो गया। और जो लास्ट सिम्टम है प्लम्बम मेट का, वो है मसूड़ों पे एक ब्लू लाइन, मतलब देखने पे एक मसूड़े पे ऐसे पूरा ब्लू कलर का दिखाई देगा। यहाँ मैं अपने शहर अपने इंडिया की बात करूँ तो ब्राउनिश कलर का दिखता है, और कॉन्स्टिपेशन में है ही आपके प्लम्बम मेटेलकम। तो ये थी प्लम्बम मेटेलकम डॉक्टर एबी नैस से। थैंक यू।